भाई कहाँ भाग रहे हो आप लोग? अब फ्लाइट में आ गए हैं। हमसे अच्छा करो। मैनेजर भी खड़े हैं कि होटल में बवाल मच चुका है। राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब? मैं आपका अपना भाई नितिन चंदीला, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है, आज है 3 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 3:35। तो अपनी सुबह की फ्लाइट है 5:30 की। हम लोग जा रहे हैं मुंबई। मैं कॉम्पिटिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फेडरेशन दूसरी है। इंडिया में फेडरेशन का बहुत मसला है, तो इसलिए अभी देखने जा रहे हैं वहाँ पे। साथ के भाई कम्पिटिट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्हें दिखाएंगे। बहुत अच्छी कंडीशन है उनकी। तो ब्रेकफास्ट में एब सेब ले रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, फ्लाइट में सोऊंगा और प्रोटीन पी के जाऊंगा अपना। और कौन कौन मिलेंगे, क्या क्या वहाँ पे फ़न होगा, कोशिश करूंगा कि 3-4 व्लॉग अच्छे अच्छे बनाऊँ सारे अलग अलग चीज़ों के। तो पहला जो मेरा डे वन होगा, तो आज तो मेरी मीटिंग है 3 तारीख को, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। 4 और 5 शूट करेंगे। तो चलो चलते हैं मुंबई। जो वहाँ से हम, मैंने जैसा भी अपनी लाइव में बताया था कि मुझे जो दो बंदे दिख रहे हैं, तीसरा तो मेरे पास नाम आया था प्रो कार्ड का, वो एक हमारे अनुज नागर जी और एक है हमारे भाई सन्नी शर्मा, जिनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग मेडल ला सकते हैं। हवा चल रही है। रवि भाई, आपकी क्या टिप्पणी? हम तो लेना जा रहे हैं भाई, मिलेगा जरूर। ठीक है जी, हमारी यही स्टैंप लग चुकी है फरीदाबाद में। या तो प्यार तो लेंगे, हमार कर लेंगे। माइनस पॉइंट और नेगेटिव तो हम सोचेंगे नहीं। सोचेंगे, ये तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि नेगेटिव सोचना ही नहीं। और अभी अपने कृष्ण जी को उठा रहे, वो सो रहे अभी। ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको। चलो सीधा कृष्ण जी से मिलो। हमारे कृष्ण जी आ गए। भाई कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मुंबई। किस लिए? ओलंपिया। किस लिए, क्या लेने? अपने अपने को ओलंपिक। पूरा प्रॉपर बोलो। सुबह सुबह कितना बुलवाया? कितना बज रहे टाइम बताओ? देखिए 4:45 हो रहे हैं। 4:30। हाँ 4:30। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो एयरपोर्ट आ गए भाई। साथ जी देखो, मलूक होते जा रहे दिन पर दिन। ये हमारे भाई छोड़ना है, डंपी भाई, कुन्नू भाई हमारे साथ जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने। पहलवान जी खड़े हैं भाई, आप दिखाओ एक बार। ये देखो, ये सब कमजोरी की निशानी है। ये सिर दर्द भी बहुत जल्द मैं भी झेलने वाला हूँ। ठीक है, तो अब अंदर भाई चलो चेक इन करेंगे। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी अभी हमें अंदर मिलेंगे, उनसे भी आपको मिलाएंगे। एक यूट्यूबर है, वो भी आ रहे हैं, आधे घंटे लेट है। ठीक है जी, तो चेक इन, बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग लेनी पड़ेगी, आ जाओ, बोर्डिंग करवानी पड़ेगी। ये रही ना इंडिगो, ये रही, यहीं पे आ जाओ। बड़ी आफत का काम है भाई, होगी ना। भाई कहाँ भाग रहे हो आप लोग? अब योग भाई कहाँ भाग रहे हो? कितने लेट आए बाबा? लेट हो गया भाई, पेस दिखाओ अपना। फाइनली फ्लाइट में आ गए हैं, जा रहे हैं दोबारा। अगेन मिस होने से बची आज 5वीं बार। ठीक है जी, बिजी चल रहे हैं, अंदर थोड़ी बातचीत करते हैं, प्लेन में बैठ के भी देखते हैं क्या है, क्या सीन है। तो हमारा पहला सफर है साथ, मैं भाई से बहुत सारी रील्स में सीखने वाला हूँ भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और साथ में रहने वाले, और ये मुझे भी दे देना। पवन भाई कौन? बहुत खुश है। आपकी कोई टिप्पणी? कुछ आपकी डाइटिंग के बारे में? डाइटिंग भाई, चक्कर आ रहे भाई, रात नहीं पिला। योगी भाई आप? बस भाई मिनट पहुँचे हो, जाके पता लगेगा कैसे कैसे मौसम गई। 5 मिनट में पहुंच गए। तो उस्ताद जी आप? बहुत मजा आ रहा है इनका कंपटीशन देखने में। और अभी चला कहाँ है? अभी तो कंपटीशन की प्रिपरेशन के साथ मजा आ रहा है ना। मजा तो ये टिकट का मजा, सपोर्ट का है, सपोर्ट तो यही सही है ना। बंदे ने टाइम के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। टाइम 4 बजे का टाइम देने के बाद टाइम, और अब बंदा पहुँचा है 6:21 पे। साढ़े 5
पहुंच गए भाई मुंबई, पहुंच गए भाई दोस्तों, मुंबई पहुंच गए, देखते हैं ओलंपिक में क्या होता है। अच्छा ही होगा जो भी अपना होगा। पहले तो लगी है भूख बहुत तेज, ठीक है जी, पहले करेंगे पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसे लग रहा है मुंबई के लिए कहीं और ही उतारे भाई, ढाई तीन घंटा में। चलो बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं इसमें, मौका मिला तो मिलाएंगे उनसे भी, बनी तो बात। तो ये हमारी पलटन चल रही है पूरी, योग में एक बार ऐप्स दिखाना अपने, ये और आ जाओ, और कौन कौन है भाई, ऐप्स दिखाना अपने, गॉड पढ़ रहे गॉड में दिखाओ, और कौन है भाई, ये भी अपने भाई, कहाँ गए ये निकू भाई, ये देखो ठीक है, हम सारे तगड़े भाई, भाई आप भी दिखाना अपने, गारंटी लगा लो सबसे अच्छे होंगे अभी, पिछले दिसंबर 2 दिसंबर तक रहे भाई, जाते ही नहीं है भाई, ये जाते ही नहीं है भाई, अब एयरपोर्ट पहुंच गए भाई, अब अपना शूट कराएंगे अच्छे अच्छे से, 10-12 फोटो खिंचवा ले अपनी, ठीक है मिलते हैं अब, चलो। हाँ भाई नींद होगी पूरी, हटाइए मास्क, हटाओ। तो अभी हमारे भाई साहब सो के उठे हैं, अभी एक भाई सुबह से परेशान डोल रहे हैं। भाई आप भी गेम कंपटीशन कर रहे हो क्या? वहाँ पे डिस्कशन चल रही है होटल से रिलेटेड, मैं तो अभी बस सूट वाला आया पड़ा। तो भैया 10 बजे के पहुंचे पड़े हैं और होटल अभी तक मिला नहीं है, क्या एक बज चुका है और अपने बीच एक बहुत बड़ी हस्ती दोबारा एक मौजूद हो चुकी है। राम राम जी, कैसे हैं आप सब भाई? यार हमारी फ्लाइट, बार बार कह रहा हूँ फ्लाइट हो गया यार, तुम्हारा फोन मिल लगे, हाँ भूख भी लग रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या करा जाए? अरे उसमें रूम में वो लिफ्ट में वो लगती है ना कि तो आप फ्लोर प्रेस कर पाओगे, वो बड़ा सिस्टम है। ये आदमी भी सुबह से परेशान है, देखो टाइगर भाई सुबह तो सुबह तो दुखी बैठे हो आप, कैसे परेशान नहीं रहेंगे? परेशान मैं इसलिए हूँ कि बहुत सारे बच्चे, सभी मेरे बच्चे अब बच्चे के दिन डोलेंगे तो माँ तो परेशान रहेगी, अगर फोन आ जाए भाई गाली देंगे। तो मेरे भाई अब जस्ट होटल में पहुंचे हैं और भूख लगी है बहुत तेज, तो खाएंगे खाना, आंखें आप देख रहे हो थकी हुई हैं क्योंकि रात को भी किसी कारण नींद नहीं पूरी हो पाई थी और सुबह की जल्दी फ्लाइट थी। तो ये था हमारा मुंबई से, दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र, और आज है 3 तारीख, तो आज मैं एग्जीबिशन सेंटर नहीं जाऊंगा क्योंकि शाम को एक मीटिंग है किसी से, उनसे मिलना है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी से मिलना है एक्चुअली, और वर्कआउट भी जिम पे ही करूंगा, तो तैयारी अपनी भी चल रही है तो वर्कआउट भी यहीं करके। तो जैसा कि आप अभी तक वीडियो देख रहे थे सारे, मैं अब जिम आए हुए हैं, रात के टाइम हो रहा है 11, मैं हूँ उस्ताद जी जो हमेशा साथ, भाई बहुत दूर ले गए हैं जिम करने के लिए, होटल से कितने दूर हमारे 50 मिनट का रास्ता, और एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर प्रैंक वाले भाई हमारे साथ आदि नागर, इनकी हंसी में भी इनकी हंसी में भी एक प्रैंक है। तो वर्कआउट चल रहा है ज़बरदस्त, वर्कआउट ख़त्म करके दिखाएंगे एक दो पॉइंट्स वर्कआउट के डाल देंगे, और आज का दिन क्या होगा अभी होटल में जाके समाप्त करेंगे फिर। तो चलिए वर्कआउट ख़त्म करते हैं पहले। Through the
through the sun rays and आंखों में नींद भरी पड़ी है ना, कल सोए सुबह फ्लाइट में घंटे सोए, रात के 11 बज रहे तक स्ट्रेच करके आज रात को नींद अच्छी आने वाली है। आपका क्या विचार है सर इसमें? विचार ये है कि सोना तो बहुत दिन की बात है, खाया भी नहीं, खाया भी सबसे खाया भी, जिसमें हमारे कार्ब बिल्कुल जीरो है, जीरो है, जैसे सोडियम बिल्कुल जीरो जीरो, हमारी बराबरी करेंगे ये ना हो पाएगा, ये नामुमकिन है। हम चाहते हैं हमारी बराबर ना करें, हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा करें, हमसे अच्छा करो। वही चेस्ट का वर्कआउट खत्म हुआ, अब मालूम है 5 एक्सरसाइज की, उसके बाद अपना खाना फिर सोना, फिर जो कल का व्लॉग वीडियो आएगी या ब्लॉग आएगा वो दिखाएंगे, क्योंकि प्री जजिंग कौन कौन अपने भाई कॉम्पिटिट कर रहे हैं उसमें, और वर्कआउट शुरू कर लो। प्राइस का चलो ये मेरी एक्टिंग चल रही है देख लो। तो गाइस ऑलमोस्ट रात के अब 12:30 बज चुके हैं और जिम से आ चुके हैं घर, ये है अपनी लास्ट मील, तो अब करेंगे रेस्ट, बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है, नीचे अपना गद्दा डला हुआ है। बिल्कुल ये हमारी पोजिंग चल रही है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है अरुण अमृत जी के फोन में, बट आप इसे देखोगे मेरे पे ओके। ये दोनों तरफ देखी जाएगी, दो पोज दो। फिजिक तो मेरे लिए बड़े कंपटीशन लायक, पर अगर हम खेलेंगे तो फिर हमारे बच्चे पूरे मान जाएंगे जो दो टाइम में से तैयारी पे हैं। हाँ बच्चों को पूरा देना चाहिए, मौका देना चाहिए, बट अभी कंपटीशन लायक बॉडी नहीं है, मजाक सेट के शूट करा रहे थे जैसे हमारे पवन भाई करा रहे हैं, देखो फुल माहौल, मैनेजर भी खड़े हैं, मैनेजर भी खड़े हैं कि होटल में बवाल मच चुका है NCR के, क्या कहने वाले हैं, देसी गुजर, देसी छोरे हार चुके हैं सारे, चलो देसी छोरे आ गए हैं। तो आज की मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और कल मिलेंगे प्री जजिंग वाले दिन, जिन जिन भाइयों से मिलेंगे, अच्छे अच्छे एथलीटों से मिलेंगे, सब दिखाएंगे आप लोगों को, तो ख्याल रखो, ऐसे ही प्यार करते रहो, लव यू आप सभी को, दिल से लव यू, बाय।